7.1.1 भारत में धार्मिक विविधता यदि हम चौथी सदी के बाद के भारत को देखें तो पता चलता है कि यहाँ कई धर्मों पंथों तथा दर्शनों का चलन था न केवल विभिन्न प्रदेशों में धार्मिक विविधता थी बल्कि एक क्षेत्र में भी लोगों के धार्मिक विश्वास अलग अलग थे यही नहीं हम यह भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे के विचारों को सुनकर व समझकर अपने विचारों व विश्वासों को लगातार बदल रहे थे और नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे हर क्षेत्र में एक और जहां जनजातीय समाज के लोग थे जो अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार देवी देवताओं की उपासना करते थे दूसरी ओर वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे जिनमें ब्राह्मण अग्रणी थे इनमें से कई लोग वेदों को तो मानते थे मगर उसमें वर्णित कर्म कांडो या देवी देवताओं की जगह शिव विष्णु आदि की उपासना करते थे वैदिक ब्राह्मणों में भी कई लोग थे जो वैदिक कर्म कांड की जगह देवताओं की मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ करते थे या फिर घर गृहस्थी त्याग कर ब्रह्मा का ध्यान करने में विश्वास रखते थे इन सब लोगों ने अपने अपने विचारों के समर्थन में ग्रंथ लिखे एक दूसरे से शास्त्रार्थ किए और अपने अनुयायियों को अपने विचार व आचरण सिखाए इनमें से प्रमुख थे वैशेषिक मीमांसावादी और वेदांती, जो लोग वेदों के अंतिम भाग यानी उपनिषद के विचारों को अपना आधार मानते थे उन्हें वेदांती कहते हैं बाद में जाकर वेदांत मार्ग के लोगों का प्रभाव बढ़ा लेकिन उनमें भी अनेक शाखाएं बनी इनमें सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे आठवीं सदी के आदि शंकराचार्य उनके विचार में अंतिम सत्य एक ही है जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा उनके अनुसार बाकी सब मिथ्या है और सत्य तक पहुंचने के लिए हमें संसार त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए अपने विचार के समर्थन में उन्होंने अनेक ग्रंथ रचे फिर भी बहुत से वेदांती उनसे सहमत नहीं थे उनमें से एक थे बारहवीं सदी के रामानुजाचार्य जिनका मानना था कि अंतिम सत्य तो ईश्वर है जो दुनिया की सृष्टि पालन और विनाश करता है इसके अलावा जीव भी है जो उस ईश्वर में लीन होने के लिए आतुर हैं और यह भक्ति के माध्यम से हो सकता है इसके बाद सदियों तक इन दोनों विचारकों के अनुयायियों के बीच वाद विवाद चलता रहा और इस बीच नए नए विचार उत्पन्न हुए यह तो हुई बात वैदिक ब्राह्मणों की एक शाखा की इनके अलावा वैदिक परंपरा में शिव को पूजने वाले शैव शक्ति को पूजने वाले शाक्त विष्णु को पूजने वाले वैष्णव आदि हुए इनका भी आपस में वाद विवाद चलता रहा कि कौन सबसे बड़े ईश्वर हैं उस तक कैसे पहुंचे आदि इनमें से प्रत्येक में भी अनेक शाखाएँ थीं वैदिक परंपरा से बाहर भी अनेक धर्म और संप्रदाय थे जैसे बौद्ध जैन आजीविक आदि पहली सदी से ही ईसाई धर्म का आगमन केरल और तमिलनाडु में होने लगा था सातवीं सदी के बाद इस्लाम को मानने वालों की आबादी गुजरात से केरल और उत्तर भारत में बढ़ी ये वेदों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे इनमें से कई ऐसे थे जैसे जैन मत या बौद्ध मत जो ईश्वर को भी नहीं मानते थे इनमें से प्रत्येक की कई शाखाएं और उप शाखाएं थीं ग्यारहवीं सदी में उत्तरी भारत में तुर्कों का राज्य बना जो इस्लाम धर्म को मानते थे उसी समय मध्य एशिया के इस्लामी प्रदेशों पर मंगोल कबीलों का आक्रमण हुआ मंगोल कबीले चीन और इस्लामी देशों के बीच के मैदान में रहने वाले पशुपालक थे जिन्होंने तेरहवीं शताब्दी में पूरे इस्लामी राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त कर दिया था उनके प्रकोप से बचने के लिए अनेक इस्लामी विद्वानों और सूफी संतों ने भारत में शरण ली इस्लाम में भी कई शाखाएं थीं जैसे सुन्नी और शिया इनमें भी आपस में वाद विवाद और शास्त्रार्थ चलता रहा और विभिन्न विचारों के पक्ष में अनेक ग्रंथ रचे गए इस्लामी संतों व शासन के प्रभाव में भारत में कई लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया उन्होंने भी अपने पुराने धर्म और रीति रिवाजों के कई तत्वों को बनाए रखा इन बातों का एक प्रबल उदाहरण है पीरों की इस्लामी संत दरगाहों के प्रति श्रद्धा अरब और इराक जैसे देशों में पीरों की मज़ारों के प्रति अधिक आस्था नहीं देखी जाती लेकिन भारत में प्रमुख सूफी संत थे जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हज़रत निजामुद्दीन ओलिया उनकी दरगाहों पर लोग जियारत तीर्थ यात्रा करने लगे उन दरगाहों के बारे में यह मान्यता थी कि वहाँ उनकी बरकत कृपा बनी हुई है और उनके आशीर्वाद से हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं इस तरह के विश्वास न केवल मुसलमानों में बने बल्कि उन लोगों में भी बने जो मुसलमान नहीं थे वे भी इन मजारों में प्रार्थना करने लगे अक्सर वे इन संतों के विचारों को भी धीरे धीरे अपनाने लगे कि ईश्वर एक ही है और वह निराकार है उसके सतत स्मरण और प्रेम भाव से उस तक पहुंच सकते हैं आम लोगों के धार्मिक विश्वासों में भी काफ़ी विविधता थी इनमें समय के साथ लगातार बदलाव आ रहे थे हर समुदाय के अपने अपने देवी देवता और उपासना के तरीके थे जब ये समुदाय एक दूसरे के करीब आए और साथ साथ रहने लगे तो वे एक दूसरे के देवी देवताओं को भी अपनाने लगे मध्यकालीन भारत के धर्म में बहुत विविधता थी इन विविध संप्रदाय व पंथों को मानने वाले में आपस में बहस और विवाद भी होते रहते थे लोग एक दूसरे की बातों को मानते भी थे पर कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होते थे इसके बावजूद विविधता बनी रही इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इन धर्मों में कोई एक आधिकारिक केंद्र नहीं बना किसी एक केंद्र या संस्था या व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वह सबको बताए कि क्या सही है और क्या गलत हर व्यक्ति या पंथ अपने स्तर पर सही गलत तय करने के लिए स्वतंत्र था हर व्यक्ति अपनी जरूरत अनुभव रुचि के अनुरूप अपना पंथ चुन सकता था लेकिन धार्मिक लचीलेपन के साथ सामाजिक रूढ़िवादिता जुड़ी हुई थी मध्यकाल में जाति व्यवस्था लगभग पूरे भारत में प्रभावशाली होती गई जिसके कारण धर्मग्रंथों का अध्ययन मंदिरों में पूजा और प्रवेश जाति और जन्म से निर्धारित होने लगा जातिगत सीमाओं को लांगने पर दंड दिया जाता था मध्यकालीन भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव के साथ-साथ धन और सत्ता के आधार पर भी अत्यधिक सामाजिक असमानताएं थीं सल्तनत और मुगल शासन का प्रयास था शक्ति और संसाधन का केंद्रीकरण करना इसके फलस्वरूप उनके अधिकारी जिन्हें मनसबदार और जागीरदार कहते थे दमनकारी और शोषणकारी होते गए उसी समय चाहे वह मुगल शासन हो या विजयनगर जैसे क्षेत्रीय राज्य जिनकी नीति में धार्मिक सहिष्णुता महत्वपूर्ण होती जा रही थी राजा व बादशाह यह समझने लगे कि एक बहुधर्मी देश पर शासन करने के लिए लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना जरूरी है राज्य को धर्म के आधार पर भेदभाव यथासंभव नहीं करना चाहिए इस नीति को मुगल बादशाह अकबर और उसके सलाहकार अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति कहा अकबर का कहना था कि बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि है और जिस तरह ईश्वर अपनी कृपा वर्षा और धूप के रूप में हर धर्म के मनुष्यों पर समान रूप से बरसाता है उसी तरह बादशाह को भी किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए उसकी जिम्मेदारी है कि राज्य में जितने लोग हैं वे शांति से रहें और समृद्धि पाएं यानी बादशाह किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए है अकबर एक तरह का बुद्धिवादी था जो परंपरागत अंधविश्वासी धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहता था वह चाहता था कि हर धर्म की अच्छाई को हम अपनी बुद्धि द्वारा पहचान कर स्वीकार करें और जो गलत लगता है उसे छोड़ दें कुछ इसी तरह की भावना तत्कालीन भक्ति संतों में भी देखी जा सकती है इसी सामाजिक असमानता भेदभाव धार्मिक विविधता और वैचारिक टकराव के बीच कबीर रैदास दादू दयाल मीरा तुलसीदास सूरदास गुरु नानक आदि संत हुए इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस काल के विभिन्न धर्मों की रूढ़िवादिता को नकारा और यह बताने का प्रयास किया कि ईश्वर एक है और उन तक पहुँचने के लिए किसी कर्म कांड या मंदिर या मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है केवल उनके प्रति असीम प्रेम और दूसरे मनुष्यों की पीड़ा को दूर करने के प्रयास की जरूरत है इसी तरह के विचारों को नए उभर रहे सामाजिक तबकों जैसे कारीगर छोटे व्यापारी किसान आदि ने उत्साह के साथ अपनाया इनमें से कुछ जैसे नानक पंथ दादू पंथ और कबीर पंथ जैसे विशिष्ट पंथ बने इनके विचार जन सामान्य के बीच उनके गीतों के माध्यम से पहुंच रहे थे जन सामान्य में से कुछ जो उन विचारों से अधिक प्रभावित थे इन पंथों में शामिल हुए और विशेष आचरण वेशभूषा आदि के माध्यम से अपने पंथ की पहचान बनाई ऐसा ही एक पंथ सतनामियों का आज के हरियाणा राज्य में था उन्होंने जात पात के भेदभाव तथा धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने का प्रयास किया यही नहीं उन्होंने मुगल शासन के दमनकारी अधिकारियों का भी पुरजोर विरोध किया इस संप्रदाय की शुरुआत सन सोलह में नारनौल में हुई थी वे एक सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास करते थे और उसकी उपासना के लिए मंदिर या मूर्ति पूजा की जगह सामूहिक भजन गायन करते थे कहा जाता है कि वे कबीर और नानक के भजन गाते थे वे घर बार त्यागने की जगह किसानी और गृहस्थ जीवन बिताते हुए ईश्वर का ध्यान करने का आग्रह करते थे छत्तीसगढ़ में भी धर्म सुधार सामाजिक सुधार में कबीर पंथ दामाखेड़ा एवं सतनाम पंथ गुरु घासीदास गिरोधपुरी ने प्रभावी कार्य किया